प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, गत सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये 34 लाख लोग पहले कहां जाते थे, देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भटकते थे नौकरी के लिए। कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वह निवेश हो रहा है, अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी, यह एक संभावना प्रदेश के अंदर तैयार कर दी गई है।